बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे यकीनन बहुत कम लोग वाकिफ होंगे, मगर इस फाइटर जेट को अगर F-16 का बाप कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। आज हम इसी फाइटर जेट के बारे में तफसील से बात करेंगे, मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलें देखते हैं कि ये फाइटर जेट कौन सा है और किन खसूसियात का हामिल है। 1977 की दहाई में अमेरिका की कंपनी जनरल डायनामिक्स ने F-16XL को मैदान में उतारा। ये एक क्रैंक एरो डेल्टा विंग्स का हामिल F-16 फाइटर का ही एक वेरिएंट था। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, जनरल डायनामिक्स ने इब्तदाई तौर पर इस F-16 के वेरिएंट को इस वक्त के हिसाब से एडवांस टैक्टिकल हथियारों की दौड़ में खुद को शामिल करने के लिए नासा के साथ मिलकर बनाया। इस फाइटर जेट का एयर फ्रेम कार्बन कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाया गया था, जिस वजह से ये F-16 का वेरिएंट आम F-16 से वजन में कम मगर साइज में बड़ा था। क्रैंक्ड एरो डेल्टा विंग्स डिजाइन की वजह से ये जेट फाइटर सुपरसोनिक स्पीड का हामिल जेट था और इसकी सबसे खास बात यह थी कि ये जेट आज के दौरे हाजिर 5th जनरेशन जेट की तरह सुपरसोनिक स्पीड में भी क्रूज कर सकता था। चलिए अब इसकी खसूसियात पर नजर डालते हैं। F-16XL सिंगल और ट्विन सीट का हामिल जेट फाइटर था। इसकी लंबाई 54.2 फीट, चौड़ाई 34.3 फीट, ऊंचाई 17.3 फीट, विंग्स एरिया 646 स्क्वायर फीट, एम्प्टी वेट 9,980 केजी, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 21,800 केजी। F-16XL को जनरल इलेक्ट्रिक का F110GE100 टर्बोफैन इंजन पावर फराहम करता है, जिसका ड्राइव थ्रस्ट 76 किलो न्यूटन है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 129 किलो न्यूटन है। F-16XL की मैक्सिमम स्पीड 2 मैक, क्रूज स्पीड 970 किलोमीटर पर आवर, रेंज 4,590 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 50,000 फीट, रेट ऑफ क्लाइंब 62,000 फीट पर मिनट है। F-16XL में एक अदद 20mm M61 वैल्कन गन का इस्तेमाल किया गया है। F-16XL में 17 हार्ड पॉइंट्स, जिनमें 6,800 केजी के बम और मिसाइल कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। आज के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।